नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपके पास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई हुई लॉ क्लर्क्स यानी कि ट्रेनी की 32 वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पर देखिए, विज्ञापन इसका जारी हो चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 6 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है सबमिशन की 21 मार्च। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी LL.B डिग्री, और जो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं वो होने चाहिए 21 साल से लेकर 26 साल तक, और वो 26 साल की डेट काउंट होगी 1 जुलाई 2022 तक। देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है 6 मार्च से, लास्ट डेट है 21 मार्च को, और जो पेमेंट की जो अपडेट करने की डेट है वो 22 मार्च को रात में 11:59 तक। यहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो फिक्स्ड ऑनरेरियम है 25,000 रुपये पर मंथ। इसके साथ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा इनिशियल फॉर 1 ईयर के लिए होगा, और आपकी परफॉर्मेंस पर ये एक्सटेंडेड किया जा सकता है और ये फॉर 1 मोर ईयर। ऐसे लॉ स्टूडेंट जिन्होंने अभी LL.B रिसेंटली पास किया है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको काम करने को मिलता है एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के साथ, आपको अटैच किया जाता है और आपको उनकी सहायता करनी होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास LL.B डिग्री होनी चाहिए। डजेंट मैटर LL.B ऑनर्स हो या 5 ईयर कोर्स हो या 3 ईयर कोर्स हो, आपके पास एक LL.B डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो है आपको कंप्यूटर की नॉलेज। वहाँ पर आपको डाटा एंट्री आनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशन के नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो है इंटरव्यू के थ्रू। यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरते समय आपके सारे एकेडमिक डिटेल मंगा ली जाएंगी, और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर स्क्रूटनी करते हुए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होता है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका इलाहाबाद में ही केवल होगा, और उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आपको अपने खर्चे पर यहाँ पर आना होगा। आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है यहाँ पर 300 रुपये। तो जो भी लॉ ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। 1 साल आपको हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के साथ काम करने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप में से वो साथी जिन्होंने LL.B डिग्री प्राप्त कर ली है और जिन्होंने 1 जुलाई 2022 को 26 साल की उम्र पूरी नहीं की, मेरा उनको ये सलाह है कि वो इसको जरूर अप्लाई करें और इस इंटरव्यू को दें, और अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो काम जरूर करें। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।